राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज काशीपुर जीडी मेटपाल प्रबंधक, मैं आपको दिवाली के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य अध्यापक अध्यापिकाएं समस्त छात्र छात्राएं तथा हमारे विद्यालय से जुड़े हुए अभिभावक सबको दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ मैं हिमांशु ठाकुर जी को, जो समय समय पर हमारे विद्यालय की प्रगति के बारे में बताते रहते हैं, उनके चैनल को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। समस्त क्षेत्रवासियों को तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चैती मोड़ काशीपुर की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही विद्यालय से जुड़े हुए समस्त अभिभावक छात्र छात्राएं एवं जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं सभी को दीपावली के संयुक्त पर्व की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान सत्र में विद्यालय प्राइमरी से इंटर तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से संचालित है, जिसके अंतर्गत 1373 छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए प्रशिक्षित एवं कर्मठ 50 अध्यापक एवं अध्यापिकाएँ अपनी पूर्ण शक्ति एवं क्षमता के साथ कार्यरत हैं। छात्रों के शिक्षण हेतु व्यवस्थित एवं सुसज्जित 4 प्रयोगशालाएँ, 50 कक्षा कक्ष एवं 1 विशाल पुस्तकालय विद्यालय में उपलब्ध है। वर्तमान सत्र में अपने विद्यालय के छात्रों ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के 42 जिलों में स्थान प्राप्त कर एक विद्यालय को गौरवान्वित किया है, जो कि अब अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही छात्रों के संस्कार हेतु विद्यालय का वर्तमान वंदना सत्र एक आकर्षण का केंद्र रहता है, जिससे छात्रों को आध्यात्म से जोड़ा जाता है। छात्रों के शारीरिक विकास हेतु विद्यालय का विशाल क्रीड़ा मैदान एवं खेलकूद के अभ्यास हेतु खेलकूद के उपकरण हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं, जिससे वो अपने शारीरिक अभ्यास कर सके। विद्यालय में वंदना सत्र के बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, प्रातःकाल जिस समय पर छात्र उसमें आते हैं, तो आने के पश्चात वो पहले तो विद्यालय में प्रणाम, चूँकि विद्यालय एक शिक्षा का केंद्र है, मंदिर है, तो उस मंदिर में जिस प्रकार झुककर प्रणाम करते हैं, उस प्रकार छात्र प्रणाम करके अपनी अपनी कक्षाओं में पहुँचने के बाद संयुक्त रूप से एक स्थान पर बैठते हैं। एक स्थान पर बैठकर प्रातःकाल हमारा प्रातः स्मरण, जिसमें अपने देश की संस्कृति, अपने देश के बारे में सरसर उसमें कुछ कहा जाता है कि हमारा देश किस प्रकार से था, और साथ साथ अपने देवी देवताओं के कि जिसके कारण से हम प्रातःकाल जब उठते हैं तो उठने पर पृथ्वी को स्पर्श करके और उससे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे पृथ्वी माता, हमको ज्ञान देना, बुद्धि देना और हमारा पालन पोषण करना। इसी प्रकार से हमारे वंदना सत्र में प्रातःकाल ये सब होता है, उसमें साथ साथ माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान की आराधना हम माँ सरस्वती की पूजा करके करते हैं। इसी प्रकार उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो आध्यात्म को उससे जोड़ने के लिए ब्रह्मनाद, जिससे ब्रह्मनाद गायत्री मंत्र और शांति पाठ, जिसमें पूरे विश्व की शांति की हम कामना करते हैं, तो इस प्रकार से शांति पाठ की कामना करते हुए विश्व को शांति का संदेश देते हैं। आध्यात्म से जोड़ने के लिए छात्रों की मानसिक और तार्किक शक्ति का विकास हो, इसके लिए ब्रह्मनाद की ओम का उच्चारण हम करके और बस बच्चे की मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य इस वंदन सत्र में करते हैं, जो एक अपने आप में एक विशेष है। अपनी विद्या भारती के अंतर्गत, चूँकि जिस प्रकार से कहते हैं कि गंगा में मिलने वाली सब नदियाँ गंगा बन जाती हैं, इसी प्रकार से विद्या भारती, चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ओतप्रोत विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना कार्य कर रहा है, और ये सब विद्या भारती के अंतर्गत सब उससे जुड़े हुए हैं, इसी कारण से हम आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। और ये विद्या भारती के विद्यालयों की अपनी विशेष पहचान है, जो कि हम आध्यात्म से संस्कार से जुड़े हुए और आध्यात्म की ओर हम छात्रों को उन्मुख करते हैं। जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो वेदों के कारण से, आध्यात्म के कारण से प्राप्त हुआ है। आज देखने में आता है कि विज्ञान भी वेदों की ओर आगे बढ़ रहा है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का ही एक विशेष पहचान है।